हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ शब्द के प्रकार। ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है शब्द के प्रकार के बारे में आज हम सीखेंगे। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द, इन सभी शब्दों को बारीकी से हम सीखेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ इस मात्र 5 से 7 मिनट की वीडियो में आपको शब्द देख कर आप बता पाएंगे कि किस टाइप का वो शब्द है, शब्द के कौन से कैटेगरी में आता है। यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, SSCGD की तैयारी करते हैं, यूपी पेट का आने वाले समय में आपका एग्जाम है, तो आप मेरे चैनल पर सही जगह पर आए हैं। आपका इस चैनल पर स्वागत है। चलिए हम सिखाते हैं आपको इन सब चीजों को आसान तरीके से। चलिए पहला देखिए, शब्द के प्रकार में हमने लिखा है ऋण शब्द, दूसरा शब्द हमने लिखा है यौगिक शब्द और तीसरा शब्द हमने लिखा है योग ऋण शब्द। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। बारीकी से हम तीनों का मतलब समझेंगे। हमने एग्जाम्पल दिया है, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऋण शब्द पहले समझ लीजिए। ऋण शब्द उसे कहेंगे जिन शब्दों को अगर आप तोड़ते हैं, ऋण शब्द उसे कहेंगे जिन शब्दों को यदि आप तोड़ते हैं तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ ना निकले, उसे आप ऋण शब्द कहेंगे। तो देखिए कौन सा ऐसा शब्द है, जैसे किताब है, दरवाजा है, उसकी किताब, दरवाजा, कमल, ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जिनका टुकड़ा करने पर कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। कुर्सी है, मेज है, पुस्तक है, घर है, मकान है, इन सभी चीजों को आप देखिए ध्यान से। अगर हम किताब का टुकड़ा बनाए की प्लस ता प्लस ब, कोई अर्थ नहीं निकला इन तीनों का। किता प्लस ब, कोई अर्थ नहीं निकला। की प्लस ताब, मतलब किसी भी तरीके से आप तोड़ने पर उस बाकी जो ये शब्द निकल रहे हैं इनसे तोड़ने के बाद जो शब्द बन रहे हैं उनके कोई अर्थ नहीं मिल रहे हैं, इसलिए शब्द ऋण शब्द के अंतर्गत आएगा। अगर आप तोड़ते हैं कोई अर्थ नहीं मिलता है तो उन सभी शब्दों को आप ऋण शब्द कहेंगे। जैसे आप दरवाजा को देख लो, किताब को देख लो, पुस्तक को देख लो, मेज देख लो, कुर्सी देख लो, तमाम शब्द हो जाएंगे। उसके बाद यौगिक शब्द में कौन आएगा, जैसे विद्यालय, चारपाई, हिमालय। यौगिक शब्द में ये होता है कि यौगिक शब्द एक ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर उनके कुछ अर्थ निकल जाए। अगर उन शब्दों को आप तोड़ते हैं तो उनके अनेक अर्थ, सॉरी, एक एक अर्थ निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए विद्यालय शब्द है, इसको हम तोड़ते हैं विद्या प्लस आलय, आलय का मतलब घर होता है और विद्या का मतलब ज्ञान, दोनों शब्दों का एक अर्थ निकला। किसी भी तरीके से आप विद्यालय अलग अलग चारों को तोड़ेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, मगर कोई ना कोई टुकड़ा ऐसा होगा जो आपको अर्थ बता के जाएगा, उन दोनों का अर्थ निकलेगा, इसलिए शब्द कौन से होगा, यौगिक शब्द। चारपाई हो गया, चार प्लस पाई, अगर आप चा को अलग, र को अलग, पा को अलग और ई को अलग करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, परंतु एक जरूर कोई टुकड़ा होगा जो कुछ न कुछ अर्थ देकर जाएगा, तो उन शब्दों को हम यौगिक शब्द में कहेंगे। इनमें आप कोई भी टुकड़ा अर्थ नहीं दे रहा था, कोई भी तोड़ने पर अर्थ नहीं दे रहा था, इसमें कम से कम चार और पाई मिलकर 2 अर्थ बना रहे हैं। चार पाई का मतलब चार और संख्या हो गई और पाई का मतलब पैर, चार पैरों वाला। उसके बाद हिमालय, हिम प्लस आलय, आप ही म ल य को तोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा, तो ऐसा मत बोल देना कि ऋण शब्द है। अभी और देख लो कि और भी कोई टुकड़ा ऐसा है जो अर्थ दे सकता है कि नहीं, तो हाँ, हिम और आलय को जब हम अलग करते हैं तो हिम का अर्थ बर्फ होता है और आलय का मतलब घर होता है। 3 शब्दों का भी अर्थ निकल जाता है, चार पाई हुआ, विद्यालय हुआ, हिमालय हुआ, मतलब कोई भी ऐसे शब्द, भोजनालय हुआ, भोजन प्लस आलय, ठीक है, भोजन मतलब खाना हो गया और आलय का मतलब घर हो गया, खाने वाला घर। तो इसी तरीके से ऐसे शब्द जिनका टुकड़ा करने पर आप पहले एक एक अक्षर का तोड़िए, उसके बाद 2-2 का ग्रुप बना के तोड़िए, ऐसे तोड़ कर देखिए, अगर किसी भी 2 शब्दों का अर्थ निकल जाता है तो उन्हें आप यौगिक शब्द कहेंगे, अन्यथा वो कौन सा शब्द होगा, ऋण शब्द होगा। साथियों, अब हमारा तीसरा शब्द है, योग ऋण शब्द। इस शब्द के बारे में हम जानते हैं कि योग ऋण शब्द किसे कहेंगे, तो योग ऋण शब्द एक ऐसा शब्द होता है जिसको आप अगर तोड़ते हैं, उस शब्द का अगर 2 या 3 टुकड़ा बनाते हैं तो उसमें से कोई ना कोई ऐसा टुकड़ा अर्थ देगा, और अर्थ जो मिलेगा उसका कुछ सेंस होगा, और वो जो सेंस होगा उस सेंस किसी तीसरे शब्द की ओर अगर इशारा करता है तो उस शब्द को हम योग ऋण शब्द कहेंगे। अगर किसी शब्द को तोड़ने से, उसके 2 टुकड़े करने से, जितने भी टुकड़े कर रहे हो करने से, अगर उसका अर्थ निकल रहा हो, अर्थ निकल रहा हो तो यौगिक शब्द, अर्थ निकलने के साथ साथ वो किसी और की तरफ इशारा कर रहा हो, किसी देवी देवता की तरफ, किसी राक्षस की तरफ, किसी इंसान की तरफ या किसी विशेष वस्तु की तरफ अगर इशारा कर रहा हो अर्थ मिलकर दोनों शब्दों का, तो उसे आप योग ऋण शब्द कहेंगे। जैसे हमारे सामने एक शब्द गिरधर, गिर प्लस धर, गिर मतलब पर्वत, धर का मतलब धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, गिर को धारण करने वाला। देखो अर्थ तो दोनों का निकला, पर्वत धारण, परंतु ये जो गिर को धारण करने वाला है ये कोई और व्यक्ति को इशारा हो रहा है, तो एक धर्म के हिसाब से विष्णु जी की तरफ इशारा हो रहा है, विष्णु देवता की तरफ इशारा हो रहा है, तो गिर को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी, तो इस शब्द में कौन सा हो गया, योग ऋण शब्द हो गया। उसके बाद चंद्रशेखर, चंद्र प्लस शिखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्रशेखर,
चंद्र प्लस शिखर, चंद्र प्लस शिखर, चंद्र मतलब चंद्रमा और शिखर मतलब सिर पर, जिसके माथे पर चंद्रमा हो, जिसके माथे पर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो अर्थात शिव, यानी अर्थ तो दोनों का निकला मगर अर्थ ये जो मिलके हैं वो शिव जी की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए योग रूण है। देखो अर्थ यहां भी निकल रहा था, अर्थ यहां भी निकल रहा है, परंतु ये मिलकर किसी और की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, किसी देवी देवता राक्षस का नाम नहीं ले रहे हैं, परंतु ये जो शब्द है किसी देवी देवता और राक्षस का नाम की ओर इशारा कर देते हैं, इसलिए ये शब्द योग रूण कहलाते हैं। इन दोनों में थोड़ी सी अंतर है, अर्थ इनका भी निकलेगा, अर्थ इनका भी निकलेगा, परंतु ये अर्थ निकल कर वहीं पर रुक जाएंगे और ये अर्थ निकालते हुए किसी और की तरफ इशारा कर देंगे, तो समझ लेना वो योग रूण शब्द है। नीलकंठ, नील है, नील प्लस कंठ, नील मतलब नीला रंग और कंठ मतलब ये कंठ, तो नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी, जिसका ये गला या कंठ नीला हो उसे हम अर्थात शिव जी के नाम से जानते हैं, तो नीलकंठ में भी कौन सा हो गया योग रूण शब्द। दस आनंद, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी दस एक संख्या हो गई, आनंद एक मुख हो गया, तो अर्थ तो दोनों का निकला, परंतु दोनों निकलने के बाद आपके माइंड में एक राक्षस का नाम आया जिसका नाम क्या है रावण, तो दस आनंद में कौन सा शब्द हुआ योग रूण शब्द हुआ। तो इसी तरीके से किसी भी शब्द को पहचानना हो तो मात्र 5 मिनट की वीडियो देख लीजिए, आपको शब्द का झमेला हमेशा के लिए खत्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बाकी अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और एक आम सूचना, अगर आप अतुल महेश्वरी की एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, जैसे छोटे बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं स्कॉलरशिप योजना की तैयारी करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए एक लाइव क्लास या हो सकता है ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से पूरी अतुल महेश्वरी की तैयारी के लिए हम लोग एकदम तत्पर होने जा रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके से हिंदी के छोटे छोटे टॉपिक्स या किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एक सब्सक्राइब ही आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। सब्सक्राइब करिए, अगला वीडियो इससे भी जानदार होने वाला है। तो आगे के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।